हाय फ्रेंड्स, मैं प्रीति रेनबो लाइफ से। आज मैं बट सावित्री के दिन चढ़ने वाले बरगदा बनाने की विधि बता रही हूँ। इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और बेल आइकन में को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। प्लीज आप मुझको ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया, उसमें चीनी डाली। चीनी उतनी जो है अंदाज से डालिए। आप ज़्यादा मीठा लेते हैं तो ज़्यादा मीठी लीजिए, ज़्यादा चीनी लीजिए। और उसमें पानी मिला दिया। अब इसको किसी की सहायता से इस चीनी को घोलना है। आप चाहे तो चम्मच का भी यूज़ किया कर सकते हैं, पर मैंने इसमें इस मथानी का यूज़ किया है। और साथ के साथ हम जितना बनाना है, एक कप आटा ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल मिलाते हैं। ऑयल को हाथ की मदद से धीरे धीरे मिलाइए, मिक्स करिए। और ऑयल सही पड़ा की मात्रा सही है कि नहीं जानने के लिए आप इसको इसको मुट्ठी में दबाएंगे और मुट्ठी बन जाएगी, तो समझ लीजिए कि ऑयल की मात्रा ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके चाशनी या शरबत है, उससे आप इसको माड़िए। आटा जैसे मारते हैं, पर ये बहुत ढीला आटा मारता है, इसमें पानी ज़्यादा डलता है। ये देखिए, बहुत ढीला है। अब इसको थोड़ा सा ऑयल लगा करके रेस्ट करने के लिए रख देना है 5 मिनट, जब तक कि हम कढ़ाई चढ़ाते हैं और उसमें ऑयल डालते हैं, तब तक ये रेस्ट करेगा। हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस ऑन कर रहे हैं और इसमें ऑयल डालते हैं। ये ऑयल डाल दिया और तब तक के हमने इसको छोटी छोटी सी आटे की गोली बना करके उसमें हल्का सा प्रेस किया अंगूठे से, और तेल गरम हो गया है। तेल गरम हो जाने के बाद इसको इसमें डाल दिया और इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक ठीक डालना है इसको। फिर चलाते रहना है और ये हल्के से थोड़े अपने जो साइज से बड़े हो जाएंगे, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक के तलना है। और साथ के साथ गोलियां बनाते जाना है, दूसरे जो बचा हुआ बैटर है उससे गोलियां बनानी है। यही इसको बरगदा बोलते हैं। देखिए, मैंने बना ली है और इसको अब ये हो गया है गोल्डन। अब इसको मैं इसको निकाल लूँगी। निकालने के लिए मैं दूसरी झबिया के यूज़ करती हूँ, जिससे ऑयल अच्छे से निकल जाता है। ये देखिए, एक बार में ही निकल गया। अब इसको मैं निकाल ओ एक निकल गया उसमें, कोई बात नहीं, मैं फिर से निकाल लूँगी। इसको फिर निकाल लिया और फिर इसमें डाल दिया। अब ऐसे ही बाकी बचे हुए गोलियों को हमको फ्राई कर लेना है सारे। ये देखिए, बची हुई उसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। ये बरगद की पूजा, बट सावित्री की पूजा के नाम से भी जानी जाती है। इसमें ये लगते हैं बरगद के जो बीज होते हैं, वो इस समय आते हैं, और जो बीज गोल गोल होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, तो उसी का ये चढ़ाया जाता है। इसको बरगदा बोलते हैं। आई होप आपको ये डिश पसंद आई हो पूजा की, और आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में बेल आइकन है, उसको आप दबा दीजिए, दबा प्रेस कीजिएगा, जिससे नए नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें।